श्री संगमनी वसुना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना ताम मा देवा व्यदध पुरुत्रा भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। सूर्य चर और अचर सारे संसार की आत्मा है। सारे संसार की ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य सिद्धांत भारतीय खगोल शास्त्र की प्रसिद्ध खोज है। ये कई सिद्धांत ग्रंथों के समूहों का नाम है। अवश्य ही ये ग्रंथ पुराने संस्करणों पर आधारित है जो 2500 वर्ष पहले रचित हुए माने जाते हैं। भारतीय गणितज्ञों और खगोल शास्त्रियों ने इसका संदर्भ भी लिया है, जैसे वराहमिहिर और आर्यभट्ट आदि। वराहमिहिर ने अपने पंच सिद्धांतिका में 4 अन्य टीकाओं सहित इसका उल्लेख किया है। ये पुस्तक आज से 2500 वर्ष पहले लिखी गई थी। इस पुस्तक को सूर्यदेव के आदेश पर लिखा गया था, जिसमें ज्योतिष शास्त्र, गणित, परग्रही, ब्रह्मांड जैसे विषयों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। किंतु समय के साथ साथ इसके कुछ अंश विलुप्त हो गए, वह कुछ ही बचे। इसके बाद वराहमिहिर ने इस पुस्तक को फिर से पूर्ण रूप दिया तथा ब्रह्मांड से जुड़े कई अनसुलझे प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दिया। वर्तमान में जो वैज्ञानिक खोजें हुई हैं, उसके बारे में सनातन दर्शन में आज से सदियों पहले ही सटीक आकलन कर लिपिबद्ध कर दिया गया था। सनातन दर्शन के अनुसार पृथ्वी के सबसे बड़े देवता सूर्य ही हैं और उन्हीं के कारण पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य एक तारा है जो मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। सर्वप्रथम सूर्य के द्वारा ही सूर्य सिद्धांत पुस्तक की रचना की गई थी, लेकिन समय के साथ साथ इस पुस्तक के कुछ अंश विलुप्त होते चले गए। फिर भारतवर्ष के संवत प्रवर्तक महान सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में वराहमिहिर जैसे ज्ञानी पुरुष हुए। उन्हें ज्योतिष व खगोल विद्या में पारंगत माना जाता है। वे महाराज विक्रमादित्य के नवरत्नों में भी थे। उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में गहन अध्ययन किया और उसे सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध किया। इसमें उन्होंने बहुत पहले ही मंगल ग्रह पर पानी व लौह तत्व होने के बारे में बता दिया था। इसके साथ ही ब्रह्मांड से जुड़े कई रहस्य भी इस पुस्तक में लिखे गए थे। इसके कई सदियों बाद भारतवर्ष पर अफगान व मुगल आक्रांताओं के हमले बढ़ते चले गए। भारत के दो सबसे बड़े गुरुकुल तक्षशिला व नालंदा को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया व लाखों पंडितों, विद्वानों व ऋषि मुनियों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। खिलजी की सेना ने नालंदा के पुस्तकालय में आग लगा दी थी, जो लगभग 6 माह तक जलती रही थी। ये केवल भारत के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी। इसी दौरान सूर्य सिद्धांत ग्रंथ भी या तो चोरी हो गया था या उसे नष्ट कर दिया गया था। फिर बाद के विद्वानों व ऋषि मुनियों ने सूर्य सिद्धांत पुस्तक की बातों को याद कर, उस पर अध्ययन कर व कई जगह से जानकारी जुटाकर इसे फिर से लिपिबद्ध किया। वर्तमान में सूर्य सिद्धांत नाम से जो पुस्तक उपलब्ध है वो यही है, जिसका विश्व की लगभग हर भाषा में अनुवाद हो चुका है। देश विदेश के सभी वैज्ञानिक अपने अपने अध्ययन में इस पुस्तक से जानकारी लेना नहीं भूलते, जिसमें की 14 अध्याय हैं। ग्रहों की चाल, ग्रहों की स्थिति, दिशा, स्थान व समय, चंद्रमा ग्रहण, सूर्य ग्रहण,
ग्रहणों का पूर्वानुमान या आकलन, ग्रहीय संयोग, तारों के बारे में, तारों, सूर्य का उदय व अस्त होना, चंद्रमा का उदय व अस्त होना, सूर्य व चंद्रमा के एक ही अहितकर पक्ष, ब्रह्मांड का निर्माण, सृजन, भूगोल इत्यादि के आयाम, सूर्य घड़ी का दंड, विभिन्न लोकों की गति व मानव का क्रियाकलाप। सूर्य सिद्धांत में ब्रह्म अर्थात ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है, जिन्हें इस ब्रह्मांड व सृष्टि का सृजनकर्ता बताया गया है। इसमें बताया गया है कि इस ब्रह्मांड में केवल हमारी पृथ्वी ही नहीं अपितु असंख्य तारे भी विद्यमान हैं, जिनमें सूर्य भी एक तारा है। इसी प्रकार सूर्य से बड़े या छोटे करोड़ों तारे इस ब्रह्मांड में विद्यमान हैं, जो एक समय के बाद प्रलय में समा जाते हैं अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इसमें प्रलय का अर्थ वस्तु के पुनः निर्माण से है, अर्थात एक ग्रह या तारा अपना कालखंड समाप्त करने के बाद ब्रह्म में लीन हो जाता है व उसके बाद उसका किसी और रूप में निर्माण संभव हो पाता है, जो कि नए सौर मंडल बनाते हैं, जिसमें सूर्य के केवल 6 ग्रह माने गए हैं, जो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति व शनि। इसमें कौन सा ग्रह किस गति से सूर्य के चक्कर लगा रहा है, कौन सा ग्रह कब किस दिशा में है, सौरमंडल में उसका स्थान कहां व किसके बाद आता है, किस ग्रह में कितने दिन होते हैं इत्यादि का सटीक अनुमान लगाया गया है, जो आज के वैज्ञानिक शोध से एकदम मेल खाता है, जो कि सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम संवत के रूप में चल रहा है। काल की गणना बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही ये भी बताया गया है कि समय की गति सब जगह एक जैसी नहीं होती है, अर्थात जिस गति से समय पृथ्वी पर दौड़ रहा है वो समय बुध ग्रह में अलग व बृहस्पति ग्रह में अलग गति से दौड़ रहा है। इसी के आधार पर इस पुस्तक में विभिन्न ग्रहों के वर्ष में होने वाले कुल दिन, समय की गति, दिशा आदि का विवरण दिया गया है। वहीं पर विभिन्न ग्रहों के बीच की दूरी को भी आंका गया है। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी, पृथ्वी की सूर्य से दूरी, सूर्य व चंद्रमा के बीच की दूरी, पृथ्वी का व्यास, चंद्रमा का व्यास, सूर्य का व्यास इत्यादि का वर्णन इसमें दिया गया है। सभी की दूरी व व्यास के बीच में तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया है। सूर्य ग्रहण व चंद्रमा ग्रहण होता है उस समय क्या स्थिति बनती है, मनुष्य के जन्म, कुल, तिथि, वार, अचर, चर इत्यादि के आधार पर उसकी राशि व नाम कैसे निर्धारित किया जाता है, इसके बारे में भी बताया गया है। हर मनुष्य की उसके जन्म के अनुसार नक्षत्रों व ग्रहों की दिशा को देखकर कुंडली बनाई जाती है। मनुष्य की राशियों के आधार पर ही राशिफल निकाला जाता है, जिसमें विभिन्न ग्रहों की दिशा, उनकी स्थिति के इत्यादि के आधार पर आकलन करके मनुष्य को सचेत किया जाता है व उसे उसी प्रकार का आचरण व व्यवहार करने को कहा जाता है। सूर्य सिद्धांत के समय की गति के बारे में उल्लेख है व साथ ही उसको किस प्रकार मापा जाए व संग्रहित किया जाए इसका भी विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसी के अनुसार कैलेंडर, ऋतुएं, मुहूर्त, त्योहार, पर्व इत्यादि की तिथियां निर्धारित होती हैं। हिंदू धर्म में हर चीज का समय निर्धारित करने में पंचांग का खास महत्व है। इसमें पृथ्वी की संरचना, उसका भूगोल, आधार, पाताल आकाश, विभिन्न जीव जंतुओं, पेड़ पौधों व मानव जाति का आपसी संतुलन का भी विवरण मिलता है। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के अनुसार पृथ्वी पर समुद्र, पहाड़, मरुस्थल इत्यादि का उल्लेख भी इसमें किया गया है। इसमें पृथ्वी के दोनों ध्रुवों, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव का भी उल्लेख मिलता है। सन 1985 में पुरातत्व शास्त्री डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर ने बगैर आधुनिक यंत्रों के ग्राम डोंगला महितपुर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश में
उस स्थान को दर्शाया जहां कर्क रेखा है, जिससे पुरातन काल में भारतीय समय को निश्चित किया जाता था और स्थानीय रेखांश एक दूसरे को काटती हैं। यह वही स्थान है जहां ग्रीष्म ऋतु में अयन काल में 21 जून को सूर्य बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। यह वो स्थान है जहां दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें भूमि पर 90 डिग्री अंश रहती है, जिस कारण से छाया नहीं पाती। डोंगला गांव में कर्क रेखा और प्राचीन भारतीय समय मेरिडियन मिलते हैं। 21 जून को दोपहर 12:28 पर सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर स्थित है। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि सदियों पहले कर्क रेखा उज्जैन 23:11 से गुजरती थी, शायद इसलिए उज्जैन में कर्क राजेश्वर का मंदिर बनाया गया था। वर्तमान में ग्रीनविच रेखांश को मूल रेखांश यानी अंतरराष्ट्रीय मानक रेखांश मानकर सारी दुनिया के समय का निर्धारण किया जाता है। मध्य प्रदेश के डोंगला स्थित कंप्यूटर चलित रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला में लगे आधा मीटर के टेलीस्कोप को कंप्यूटर के जरिए किसी भी दिशा में घुमाकर ग्रह नक्षत्रों की तस्वीर ली जा सकती है। यही नहीं, इन तस्वीरों को देश दुनिया के किसी भी स्थान से अवलोकन कर आंकड़ों को एकत्रित कर अनुसंधान कार्य किया जा सकता है। वेधशाला की अंडाकार छत घूमने वाली है जो महज बटन दबाने से खुल जाती है। आधा मीटर के टेलीस्कोप तो अन्य वेधशालाओं में भी है, पर अपने आप घूमने वाला टेलीस्कोप केवल डोंगला वेधशाला में ही है। काल गणना का प्रमुख केंद्र रहे उज्जैन शहर से करीब 41 किलोमीटर दूर डोंगला गांव में अंतरराष्ट्रीय स्तर की यह वेधशाला मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने तैयार की है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण केंद्र है। बृहत्तर भारतीय संस्कृति की सनातन व पुरातन जानकारी को अब नए नजरिए से जानने की आवश्यकता है, जो कि विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट कर दी थी, और बाकी जो बची है उसे कुछ पाश्चात्य विचारधारा के लोगों द्वारा नष्ट किया जा रहा है। अब समय आ गया है कि हम अपनी जड़ों से साक्षात्कार कर अपने प्राचीन ऋषि मुनियों के ज्ञान एवं सनातन दर्शन पर चलने का प्रयत्न करें। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।